फ्लाई पर रजनीकांत की नई मूवी आई है जेलर। और सच बोलो, मैंने शिवाजी द बॉस के बाद इस मूवी में रजनीकांत को इस एंग्री कॉमेडी एक्शन मूड में देखा है। इस मूवी में थलाइवा तो हंस रहे हैं लेकिन डेविल वाला हंसी। तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में जरूर से बात करेंगे बिना किसी स्पॉयलर के साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी में आपको बहुत सारे सुपरस्टार के कैमियो देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है हमारे बॉलीवुड के जैकी श्रॉफ। और इसमें आपको दबा के फाइट सीन देखने को मिलेगा। इस मूवी में गाना बहुत ही कम है और जो एक दो गाना है वो भी बहुत कम समय के लिए है। और इस मूवी के फर्स्ट हाफ आपको बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लगेगा। थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा फैमिली वाला प्यार देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरवल के थोड़ी देर बाद आपको मूवी थोड़ा सा ऑफ ऑफ लगने लगेगा। लेकिन उसी के बाद एक कमाल के ट्विस्ट के साथ मूवी फिर से ट्रैक में वापस आएगा। अभी बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ बिना किसी स्पॉइलर के साथ। तो इस मूवी में रजनीकांत सर एक रिटायरमेंट जेलर बने हैं और उनकी बेटा एक एसीपी है। रिटायरमेंट के बाद रजनीकांत बहुत ही खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मूवी के विलेन जो मंदिर की बेशकीमती मूर्तियां स्मगल करता है और उन मूर्तियों की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है रजनीकांत का बेटा यानी कि एसीपी। लेकिन इसके बाद ही एक दिन एसीपी किडनैप हो जाता है। इसके बाद एसीपी की मौत की खबर आती है। इसी के बाद से ही थलाइवा के फैमिली को मारने की कोशिश किया जाता है। तब धीरे धीरे बाहर आता है जंगल की डायनासोर एके रजनीकांत। वो अपने बेटे की मौत के बदला लेने निकलता है। जो कोई भी उनके फैमिली के ऊपर अटैक करने आते हैं एक एक करके रजनीकांत उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हमें बहुत सारे गैंग्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है लेकिन क्रिमिनल के जेलर के सामने कहाँ चल पाती है। लेकिन मूवी के इंटरवल के बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। उससे पहले एक छोटा सा रजनीकांत के फ्लैशबैक दिखाया जाता है जेलर वाला और जेल के अंदर रजनीकांत की दबदबा वाला। और दिखाई जाती कि अभी रिटायरमेंट के बाद भी रजनीकांत कितना ज्यादा पावरफुल है। और मूवी की एंडिंग होते होते आपको लगेगा कि आपको पता है कि एंडिंग में क्या होगा, लेकिन मूवी एंड होता है एक कमाल का धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। सच बोलूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मेरे ख्याल से अगर आप रजनीकांत की फैन हो तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। जेलर जेलर यस, कैसी थी फिल्म? कैसी लगी आपको? एंटरटेनिंग, नाइस टू सी रजनीकांत। एंटरटेनिंग है? यस। ओके, आपको कैसी लगी? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कल पैसा वसूल किया रजनीकांत? हां, पैसा वसूल था। ओके, हिंदी डबिंग ठीक थी? मतलब डायलॉग थे? हां हां। सरप्राइज, इट्स अ वर्किंग डे पर 80% थिएटर हाउसफुल है। लगा था कोई और एंट्री होने वाला है किसी का, मतलब वो पर बार बार रजनीकांत का एंट्री हो रहा था तो मजा आया। उसे एक बार करके दिखा सकते हो? और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों, अगर आप ऐसे मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो स्क्रीन में कुछ वीडियो आ रहे हैं, उन्हें जरूर से देखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।